हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स। कंफ्यूज हो गए हेडिंग सुन के? जी हाँ, देखो मैं रिकॉल करवाता हूँ, फिर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। तो मैंने आपको एक जो आपकी बुक की हेडिंग है उसे पूरा समझा दिया था, क्या लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के नाम से हमने चार कारण देखे थे कि कैसे कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, किस नाम से क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ कारण डिस्कस किए, अब इस वीडियो में हम कुछ कारण डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम स्लीपर्स के पर्सपेक्टिव से, स्लीपर्स क्या होते हैं वो भी समझा दूंगा मैं आपको, और कैसे डिफॉरेस्टेशन हो वो, और रॉयल नेवी से रिलेट करके कुछ दो चीजें बताने वाला हूं। तो जो आपकी हेडिंग है स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स, तो उससे आपके क्या पॉइंट निकल के आएंगे उन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर स्लीपर्स, ठीक है, या फिर हु आर स्लीपर्स। तो स्लीपर्स इस तरह के बच्चे होते हैं जो खूब सोते हैं, ठीक है, जैसे आप बचपन में सोया करते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्लीपर्स सुन के इस तरह से कंसीडर नहीं करना कि जो सोते हैं उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। स्लीपर्स का मतलब ये होता है, स्लीपर्स आर दी वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड दी ट्रैक इन पोजिशन। इस फोटो को देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक के नीचे क्या है, ये लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े, इन्हें स्लीपर्स कहा जाता है क्योंकि ये सोए हुए हैं, इसके लिए स्लीपर्स बना दिया इनका नाम, ऐसा वाला स्लीपर नहीं होता कुछ भी। तो ये लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, इन्हें ये जो वुडन प्लैंक्स होते हैं लेड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द रेलवे ट्रैक्स इन पोजिशन। क्या होता है, जैसे ये ट्रैक है जो लोहे के, आप देखते हो ना रेल पट्टी बोलते जिसे हम, तो रेल पट्टी है, अभी रेल पट्टी को आप ऐसे ही रख दोगे तो कहीं भी चले जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनके नीचे की तरफ 3D मतलब इमेजिन करो, जैसे पहले ये नीचे हम क्या रखते हैं, बहुत सारे पूरी मीडिया, ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं वुडन ब्लॉक्स रख देते हैं, अब इसके ऊपर हम रेलवे ट्रैक रखते हैं, रेल पट्टी रखते हैं अपनी, ताकि क्या हो कि अब इसको यहाँ पे नट से हम टाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो पकड़े रखते हैं ट्रैक को। तो ये होते हैं स्लीपर्स, ठीक है, इन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। स्लीपर्स की जरूरत आ गई समझ में, क्या होती है मतलब क्या काम करते हैं, और ये पहले क्या होते थे, पहले लकड़ी के होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो आपने प्लेटफॉर्म पे कुछ और देखा है, अब इस तरह से लोहे के भी होते हैं, सीमेंट के भी होते हैं, अब अलग अलग मटेरियल के बनते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जितने भी स्लीपर्स बनते थे वो वुडन प्लैंक होते थे, मतलब सारे लकड़ी के होते थे, तो ये लकड़ी के टुकड़ों को स्लीपर्स कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है आज भी। तो ये होते हैं स्लीपर। आई होप आपको स्लीपर का मीनिंग समझ में आ गया, कि स्लीपर क्या होते हैं, काम समझ में आ गया है। तो अब हमें देखना ये, आप यही सोच रहे होंगे कि सर क्या रेलवे इंजीनियर बनाओगे क्या हमें, आप पूरा स्लीपर्स बता रहे हो, ठीक है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन स्लीपर्स को पढ़ने का, समझने के पीछे कारण ये है, क्योंकि इन स्लीपर्स के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में खोला था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन इज द स्लीपर्स, ये जो जितने भी स्लीपर्स है ना, ये कारण रहे डिफॉरेस्टेशन का। कैसे, तो वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, आफ्टर 1850s स्प्रेड ऑफ रेलवेज, रेलवेज जो है इंडिया में 1850s के बाद में और तेजी से बढ़ता चले गया। रेलवेज क्यों बढ़ा रहे थे, पैसा कमाना था क्या ब्रिटिशर्स को, कि टिकट टिकट करके पैसा कमाएंगे, तो वैसा नहीं है, कारण दूसरे भी थे। रेलवेज का जो एक्सपेंशन हुआ इंडिया में कब, 1850s के बाद में, तो उसके पीछे कारण था एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। ब्रिटिशर्स यहाँ से जो ट्रेड करते थे, तो अपने सिर पर लेकर तो जाएंगे नहीं, वो इंटीरियर पार्ट से पोर्ट एरिया तक, ठीक है, कोस्टल एरियाज तक अगर उन्हें कुछ सामान ले जाना है, अपने दूसरे देशों में पहुंचाना है, तो बाय रूट पहुंचाएंगे, बाय सी रूट पहुंचाएंगे वो, लेकिन सी रूट तक, सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए रहेगी। तो उन्होंने कनेक्टिविटी इंडिया में किसकी मदद से डेवलप करी थी, रेलवेज की मदद से। तो ये वही लिखा है, एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड, जो कॉलोनियल ट्रेड होता था ब्रिटिशर्स का, उस ट्रेड की मदद के लिए रेलवेज जरूरी था, एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। अब उसी के साथ साथ क्या, आपने देखा होगा कि इंडिया में लोग रिवॉल्ट कर देते थे, तो आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना भी तो रहता था, तो एक जगह से दूसरी जगह आर्मी को पहुंचाने के लिए क्या जरूरी रहता है, रेलवेज बहुत मददगार साबित हो रही थी उस समय पे, तो ये रेलवेज की जरूरत थी। तो 1850s के बाद में जब हम रेलवेज का स्प्रेड देखते हैं, तो इट वॉज ऑन इंटेंसिव लेवल, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था रेलवेज, कारण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर देखो, आप कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन बिगाड़ क्या होगा तो फिर सोच लेना, क्यों, क्योंकि हम आपको हर चीज पे बता रहे हैं कि रेलवे एक्सपेंड क्यों होती है 1850s में, या फिर व्हाट वर द नीड्स, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ये है, वन मार्क्स में आ गया। तो ब्रिटिश पीरियड में रेलवे का एक्सपेंशन इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज एसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। क्लियर है, एक मार्क्स मिल गया सीधे। तो ये हो गया। अब ये जो रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसके चलते क्या हो रहा था, वुड वॉज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अब आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी और रेलवे का क्या संबंध, तो हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया ना कि जो रेलवे के लिए ट्रैक बनता था, उस ट्रैक
के नीचे जो स्लीपर्स लगते थे, वो स्लीपर्स किससे बनते थे? वो स्लीपर्स बनते थे लकड़ी से। तो आप बोलोगे इतनी कितनी लकड़ी लग गई है, बताता हूँ अभी, ठीक है। अब देखो, पहले तो जो ट्रेन के डब्बे होते थे ना, जो अलग अलग कोचेस होते थे, तो वो भी लकड़ी से बनते थे। आप बदल गए ये चीज़ें, अब एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, सारी चीज़ें होती है, लेकिन पहले सब कुछ लकड़ी से। और ट्रेनें जो चलती थी तो उसमें भी लकड़ी की ज़रूरत होती थी, जैसे यूज्ड एज फ्यूल, तो कोयला के फॉर्म में जलाया जाता था उसको, ये सारी चीज़ें, तो फ्यूल की तरह। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स, ये कारण था जिसके चलते वुड वॉज रिक्वायर्ड या फिर वुड वॉज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। आगे समझ में कि कैसे वुड और रेलवे की कहानी आपस में मिली जुली है। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि स्लीपर्स में कितनी लकड़ी लग जाती होगी, तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर्स। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब एक माइल में, ठीक है, एक माइल वाले डिस्टेंस में कितने स्लीपर लगते हैं? एक माइल के डिस्टेंस में स्लीपर लगते थे 1760 टू 2000 स्लीपर्स। तो आप इस बेसिस पर कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 10 माइल की जर्नी है आपकी, 10 माइल तक आपको क्या करना है, ट्रैक बिछाना है अगर, तो उसमें कितने स्लीपर्स लग जाएंगे, उसके नीचे कितने लकड़ी के टुकड़े लगेंगे, ठीक है। इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ एक किलोमीटर से ज्यादा आएगा। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा हमें स्लीपर्स लगेंगे। तो इतने ज्यादा स्लीपर्स आप कहां से लाओगे? जंगलों को काटोगे, स्वाभाविक है। तो क्या होता गया कि रेलवेज का जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, उसके चलते पेड़ों को काटा गया। तो अब आप रिलेट कर पाए कि कैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इज रिलेटेड टू दी डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो पिछले वीडियो के चार पॉइंट इस वीडियो से हमने एक रेलवेज वाला ले लिया, अभी आगे शिप का देखेंगे और आगे भी वीडियोस में पढ़ेंगे, तो ऐसे बहुत सारे मिल गए। फिर अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, हाउ द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, तो ये कंटेंट है आपके पास रेडी, मिर्च मसाला लगाना है और लिख देना आंसर में, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हाउ द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज लीड टू द डिफॉरेस्टेशन, तो ये सारा कंटेंट है कि ये वुड वॉज यूज एज ए फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स के फॉर्म में यूज होता था, जिसके चलते बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा गया। तो अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज नेटवर्क एक्सपेंडेड, अब जैसे जैसे रेलवेज का नेटवर्क एक्सपेंड होते चले जाएगा तो रेलवे ट्रैक्स बिछाना पड़ेगी, मतलब ज्यादा स्लीपर्स लगेंगे। तो उसी के चलते क्या होता है, जैसे हम अगर एक्सपेंशन देखें, रेलवे का एक्सपेंशन समझ लो आप, फिर कैलकुलेट करते रहना, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेना। देखो, इन 1819 में हमारे यहाँ कितना 25,500 किलोमीटर का ट्रैक था, मतलब इतनी हमारे पास में रेलवे ट्रैक थी 25,500 किलोमीटर की। अब ये ट्रैक कितनी हो जाती, 7,65,000 किलोमीटर बाय 1946, मतलब जब ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, तो उस समय तक हमारा इतना किलोमीटर का रेलवे ट्रैक हो गया था पूरा। तो अब आप सोचो कितने स्लीपर्स लगे होंगे, ठीक है, कितने सारे स्लीपर्स लगे होंगे, इतना बड़ा नेटवर्क को आपको पूरा कवर करना है। और मजे की बात यह कि आज हम सीमेंट के यूज करते हैं स्लीपर्स, लेकिन उस समय तक पूरा लकड़ियों के स्लीपर्स यूज होते, कितने पेड़ काटे गए होंगे सोच सकते हो, इमेजिन करो। तो इतना ज्यादा पेड़ काटे थे रेलवे के एक्सपेंशन के टाइम पीरियड में, क्लियर है। तो ड्यू टू ऑल दिस देयर वाज अ ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, स्वाभाविक है, आप समझ ही गए होंगे कि जब इतना एक्सपेंड किया आपने तो कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। एग्जाम्पल गिवन अगर देखें हम, तो इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000, अब देखो 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली, ठीक है, तो 35,000 पेड़ों को काटा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी में, सिर्फ अकेली मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज का तमिलनाडु है, तो उस तमिलनाडु वाले एरिया में कितने पेड़ काटे जाते थे हर साल? 35,000 पेड़ काटे जाते थे। क्यों? ये स्लीपर्स बनाने के लिए, स्लीपर्स ने हमारे जंगलों को सुला दिया था उस समय पे, एक तरह से इतने ज्यादा पेड़ काटे गए। तो इस सेंस में अब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर समझ में आ गई कि हाउ रेलवेज क्रिएटेड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आर फॉरेस्ट, आर वेजिटेशन, या फिर व्हाट आर दी, मतलब अगर आपको रिलेट करने को आए इस तरीके से एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन ऑकर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, तो आप वहां पे लिख सकते हैं ये। अब ऊपर से यहाँ पे एक और चीज क्या देखो, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन एसिलेटिंग दी प्रॉब्लम। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ऐसा तो नहीं कि वो इंग्लैंड से आएंगे और जंगलों में जाके पेड़ काटेंगे और फिर स्लीपर बनाएंगे, वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते थे चीज़ों को। एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया और उससे कह दिया कि हमें इतने स्लीपर्स चाहिए, आप अपना काट लो। तो अब वो स्लीपर्स क्या करते थे, अब वो स्लीपर्स जाते थे जंगलों में और वो यूनैनिमसली बहुत सारे पेड़ काटते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो इस तरह से क्या हो गया, अंधाधुंध कटाई चालू होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है। तो रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द प्रॉब्लम, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने और प्रॉब्लम को और बढ़ा दी, उन्होंने और तेजी से, जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, जितना अच्छा काम करके देंगे उतना पैसा मिलेगा उन्हें। तो उन्हें पैसा मिल रहा था, रेलवेज का एक्सपेंशन भी खूब हो रहा था, पेड़ भी खूब कट रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इससे डिफॉरेस्टेशन जैसी परेशानी कितनी बढ़ सकती है। तो वही यहाँ पे हुआ कि डिफॉरेस्टेशन की परेशानी बहुत बढ़ गई।
आ गया समझ में रेलवेज वाला पॉइंट। इसको हम आगे अगर रिलेट करें तो ये फोटोग्राफ्स देखिए, आपकी बुक में भी दिए हैं फोटोग्राफ्स, कन्वर्टिंग साल लॉग्स, ठीक है, साल का जो पेड़ होता है, तो साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन सिंघभूम फॉरेस्ट छोटा नागपुर में 1897 में। जिस इस तरह से आप देख रहे हैं फोटोज उतने क्लियर नहीं है उस समय कि आप सोच सकते हो, डीएसएलआर तो था नहीं, ठीक है। तो 1897 में जो पेड़ काटे जा रहे थे तो आदिवासी इसको हायर कर लिया जाता था, आदिवासी इसको बोल दिया जाता था, आदिवासीज वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स विच वुड सर्व एज स्लीपर फॉर द रेलवेज। आदिवासी इसको हायर करके बोलते थे काटो पेड़ को और एकदम स्मूथ प्लैंक बनाओ, लकड़ी के टुकड़े निकालो उसमें से, जिन्हें हम क्या बनाएंगे, जिनका हम स्लीपर बनाएंगे, ठीक है। तो स्लीपर्स इस तरह से बनाए जाते थे। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस, मतलब उन्हें अपना घर बनाने के लिए नहीं काटने देते थे पेड़, लेकिन पेड़ उनसे क्यों कटवाते थे, ताकि हम स्लीपर बना सके। उन्हें ऐसा लगता था ना कि यार इनका घर बनाने के लिए पेड़ काटेंगे तो हमारे स्लीपर्स के लिए पेड़ कम हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें होती थी। फिर एक और फोटोग्राफ देखो, जैसे तो क्रेन वगैरह तो थी नहीं आज की तरह मॉडर्न मशीनरीज, तो उस समय क्रेन का काम कौन करता था, उस समय क्रेन का काम करते थे हाथी, ठीक है। तो एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर्स एट द टिम्बर यार्ड इन रंगून, रंगून यानी म्यांमार बर्मा। तो इन द कॉलोनियल पीरियड एलिफेंट्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी टिम्बर्स बोथ इन द फॉरेस्ट एंड एट टिम्बर यार्ड्स। तो इस तरह से लकड़ियां वगैरह उठाते, लकड़ियां वगैरह उठाने के लिए एलिफेंट्स वगैरह को यूज किया जाता था। अब आप ये देख सकते हो कि किस मैसिव स्केल पे, अब ये हरा भरा घना जंगल होगा वहां पे पेड़ काट रहे हैं लोग, मानो शेर वगैरह आ गया तो फिर क्या होगा। अब और देखते हैं एक और कारण। तो हमने जैसे देखा कि स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स पे, एक तो रेलवेज के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ, दूसरा कारण था ब्रिटेन्स रॉयल नेवी या फिर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। ये क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि ब्रिटेन की जो पावर थी, आपने कभी सोचा है कि ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी क्यों बना लिया, या फिर कह सकते हैं हम कि ब्रिटेन जो था तो वो हम अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कैसे पहुंच गया। तो उनकी ताकत थी उनकी नेवी, उनकी जो नेवी थी इंपीरियल नेवी, रॉयल इंपीरियल नेवी, तो वो बहुत मजबूत थी, उसकी बहुत अच्छी शिप्स होती थी और बहुत बेहतर काम था। अब जब शुरुआती दौर में क्या होता था, सारी जितनी भी जहाज वगैरह होते थे सब कुछ लकड़ी से बनते थे। अब लकड़ी से बनते थे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन जो था तो अब पहले तो जब जहाज शुरुआत में बनाएंगे तो अपनी ही कंट्री में जो पेड़ थे उन्हें काट काट के बनाया होगा। तो ब्रिटेन्स रॉयल नेवी ऑल्सो क्रिएटेड ए प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब ये कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। लकड़ी ब्रिटेन की रॉयल नेवी, समझ में आ गया रिलेशन दोनों के बीच में। अब यहां से आगे कहानी पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ब्रिटेन्स रॉयल नेवी हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, तो आप उसके पीछे सवाल ये कर सकते हाउ, या फिर आपको क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, हाउ डिड द ब्रिटेन्स रॉयल नेवी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो उसका आंसर ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया है। क्या होता है, बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। ये देखो ओक फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये ओक ट्री जो होते हैं, ये ओक ट्री क्या होता है, ये बहुत अच्छा रहता है, हल्का रहता है, मजबूत रहता है। इससे क्या किया जाता है, शिप वगैरह बनाई जाती थी उस समय पे, आज भी यूज में किया जाता है जैसे कुछ वुडन इक्विपमेंट्स बनाना रहते हैं। तो ये ओक फॉरेस्ट था। अब ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी देख लो आप, इस तरह से शिप वगैरह जो है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमने क्या देखा, अर्ली 19th सेंचुरी आते आते क्या होने लगता है कि इनके यहाँ ओक फॉरेस्ट कम होने लगते हैं। ब्रिटेन है ही कितना बड़ा, अच्छा हमारे छोटे से स्टेट बराबर, पंजाब हरियाणा के बराबर, छोटा सा तो कंट्री है वो, उनके पास कितनी लकड़ियाँ होंगी, तो उनके पास जितनी भी लकड़ियाँ थी उन्होंने काट काट के जहाज बना लिए, पानी के जहाज। अब क्या होने लगी, कमी होने लगी, लेकिन अगर उनको एक्सपैंड करना है तो लकड़ी तो चाहिए रहेगी शिप बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उनके जब ओक फॉरेस्ट डिसअपियर होने लगे, उनके ओक फॉरेस्ट खत्म होने लगे, उन्होंने सारी लकड़ियाँ जब काट ली, तो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, मतलब उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, किस चीज़ की, प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। तो जो हमारी जो रॉयल नेवी है, जो हमारी पावर है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं रोक लग सकती है, अब हम शिप नहीं बनाएंगे तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे टेंशन हो गया उनको कि हमारे ओक फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, अब हमारे पास में उतना सफिशियंट टिम्बर नहीं है कि हम हमारी शिप्स को और कंस्ट्रक्ट कर सके। तो एक तरह से वहाँ की नेवी ही वहाँ की पावर थी, देयरफॉर टिम्बर वॉज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। उनके लिए उन्होंने सोच लिया कि हमें तो टिम्बर चाहिए ही चाहिए, लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। सो सर्च पार्टीज वर सेंट इन इंडिया, तो वहाँ से सर्च पार्टीज पहुँचाई गई है। सर्च पार्टीज मतलब वो हमारे यहाँ ढूंढने आई है कि इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो ब्रिटेन के काम में आ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने देखे कि यहाँ इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज इन इंडिया। उन्होंने देखा यार यहाँ तो बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वॉज बिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे पेड़ जो थे हमारे यहाँ के, वो एक लार्ज स्केल पे क्या किया गया, काटा गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ, एक और कारण, ठीक है। चार वो पिछले वीडियो के
रेलवेज वाला पांचवा और ये छठवा, इस पर अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है इस तरह से तो वो भी बनना चाहिए। देखो स्पेसिफिक स्लाइड में बताते चल रहा हूं, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रखोगे आप। तो ये एक और कारण हो गया कि जिसके चलते क्या है कि उन्होंने अपनी रॉयल नेवी को एक्सपेंड करने के लिए एंड टू मीट दी श्रिंकिंग डिमांड ऑफ देयर ओक फॉरेस्ट दे स्टार्टेड कटिंग फॉरेस्ट इन इंडिया। तो उन्होंने इंडिया से फॉरेस्ट को काटना चालू कर दिया। इंडिया के फॉरेस्ट जो टिम्बर प्रोडक्ट्स थे यहाँ से सारा सब कुछ एक्सपोर्ट होता था, कहाँ? ब्रिटेन, और वहाँ उनकी पानी के जहाज बनाए जाते थे। तो दिस लेड टू ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, और इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये सारे कारण मैंने आपको बताए डिफॉरेस्टेशन के, आई होप आपको क्लियर है। अब हम जो एक और कारण है प्लांटेशन वाला, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो प्लांटेशन वाली हेडिंग आपकी बुक में दी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हमने बहुत सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करते गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।